दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक अनबॉक्सिंग वीडियो लाया हूँ। ये है 50 लीटर का दोस्तों हिंडवेयर कंपनी का वाटर कूलर। गर्मी का मौसम आ रहा है, 2023 आ चुका है और मार्च का महीना है, तो अभी क्या आपको कूलर वगैरह सस्ते दाम में मिलेंगे। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी आपको कूलर की प्राइस महंगा होता रहेगा, तो गर्मी तपती गर्मी से बचने के लिए मैंने ये कूलर खरीदा है अपने घर के लिए। हिंडवेयर स्मार्ट एप्लीकेशन अप्लाइंस है दोस्तों। देखिए इसका मॉडल है कैलिस्ट्रो 50 लीटर डिजर्ट एयर कूलर, ठीक है। इसमें 12 महीने की वारंटी आती है। इसमें देखिए साइड में देखिए 3350 m³ आवर डिलीवरी वुडवुल है दोस्तों इसमें, ठीक है। देखिए और क्या क्या लिखा है, कैस्टर व्हील्स है, इन्वर्टर से भी चलेगा, फैन का जो साइज है 60 इंच फिन फैन है, ठीक है। देखिए अब मैं इसमें निकालता हूँ इसको, इसके अंदर था प्रोडक्ट है। इसको मैंने दोस्तों 6,400 6479 रुपीज़ में ख़रीदा है। 720 रुपये का डिस्काउंट मिला है मुझे कार्ड से। तो ये है दोस्तों उसका इधर डब्बा, 200 वाट का है दोस्तों। MRP आपका 14,490 रुपये है। जनवरी 2023 का प्रोडक्ट है दोस्तों ये, ठीक है। पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा इसको। अभी मैं इसका प्रोडक्ट निकालता हूँ। ये रहा दोस्तों प्रोडक्ट जो उसके अंदर था। इसकी हाइट अच्छी खासी है, ठीक है। कमर से भी पेट से भी ज़्यादा ऊपर तक जाता है इसका हाइट, बहुत हाइट है इसका। 50 लीटर का इनवेयर कंपनी का कूलर। इसका जो लेंथ है दोस्तों वायर का वो देख पा रहे हैं, लगभग 2 मीटर बोल सकते हैं या 1.5 मीटर, मैक्सिमम 2 मीटर के आसपास इसका केबल है। लगभग काफ़ी लंबा केबल है, साथ में कुछ प्लग है, ऐसा है नॉर्मल वाला, ठीक है, 6 एम्पेयर वाला आपके। ये देखिए फ्रंट, इसमें मूवमेंट का भी है, एक तो है इधर उधर घूमता है, एक आपका हैंड वाला है जो आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, दो अलग अलग है, ऊपर का अलग है नीचे के लिए अलग है, ठीक है। और ये है आपका इनलेट पानी का, इसको थोड़ा अंदर से खींचना पड़ता है जोर से। इसमें आप पाइप डाल के या खुद से, जनरली पाइप डाल के आप कर पाएंगे, पानी भर पाएंगे। उस पाइप नहीं है आपके पास तो साइड में आपको खोलने का वो है नॉब, लॉक अनलॉक का इसमें ऑप्शन दिया है, तो इसको करके आपको इधर से पानी डालना पड़ेगा बाल्टी से। ये रहा नॉब। इसमें क्या, थर्ड वाले में आपका मैक्सिमम स्पीड है, फिर सेकेंड में कम है। ये फैन का है, ठीक है, लिखा भी है स्पीड। और ये आपका फंक्शन, और ये आपका मिनिमम मिनिमम स्पीड है, साउंड भी बताएंगे आपको। ये वाला नॉब आपको स्विंग स्विंग जो ये सफ़ेद वाली है, इसको स्विंग करने के लिए है। प्लस ये स्विंग प्लस पंप, मतलब पंप भी चलेगा और स्विंग भी होगा। स्विंग इस वाले में, स्विंग वाले में आपका सिर्फ स्विंग होगा, पंप पंप नहीं चलेगा। तो सेकेंड इसमें देखिए दाग दिया हुआ है स्विंग प्लस पंप, और लास्ट वाला है सिर्फ पंप, ठीक है। ये सामने देख लिए, इसका व्हील्स भी काफ़ी मोटेज हैं, ठीक है, 4 व्हील्स आते हैं इसमें, और काफ़ी मजबूत प्रोडक्ट है दोस्तों। ये वुड वुल का है, ठीक है, ये आपका हनीकॉम वाला नहीं है आपका। ये देखिए बैक पीछे भी है, और पीछे आपका स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, देख लीजिए, कैस्ट्रो है, 200 वाट का फैन है इसमें, टोटल 200 वाट है, 14 किलो वजन है इसका। ये आपका दूसरा साइड है, आपको चला के दिखाते हैं फैन, मतलब ये कूलर दोस्तों। मैंने इसको प्लग में लगा दिया है, ठीक है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, अभी सिर्फ फैन ऑन करेंगे वो मैक्सिमम स्पीड में, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कितना आवाज़ करेगा आपके लायक है। लेकिन मुझे, मैंने टेस्ट किया दोस्तों, तो इसमें फैन की आवाज़ बहुत कम है, ठीक है, तो वो टेस्ट करते हैं। देखिए मैक्सिमम कर दिया, तो सुनिए आवाज़। इसमें आवाज़ बहुत कम है, प्लास्टिक का है, प्लास्टिक क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, ठीक है, मोटा है प्लास्टिक। मैं फ्लिपकार्ट होम अप्लायंस वाला लेना चाह रहा था, इससे सस्ता था, लेकिन मैंने उसका रिव्यू देखा कि काफ़ी प्लास्टिक उसके कमज़ोर होते हैं, तो इस कारण से मैंने इसको चूज किया। अब इसमें मिडिल वाले में, जो मैं 50% है स्पीड, 50% नहीं कम वाले में मिडिल में रखते हैं और देखते हैं कितना साउंड करता है। टेस्ट करिए, देखिए ये देखिए, आप क्या करते हैं दोस्तों, सबसे लोअर वाले स्पीड में करते हैं, आपको अंदर भी दिखाएंगे क्या लगा है इसमें। देखिए सबसे लोअर वाले में, तो देख लिया दोस्तों इसका स्पीड। आप क्या, इसका स्विंग करके दिखाते हैं आपको, ये देखिए स्विंग होगा। आप देखिए सफ़ेद वाला जो, उसका अलग मोटर रहता है, आप डाउट मत करिए, जो फैन चलता है उसका मोटर है, ये स्विंग का मोटर वो अलग अलग होता है। देखिए स्विंग हो रहा है, कितना अच्छा लुक है इसका, ज़बरदस्त लुक है। पंप चला दिया मैंने, पंप चलने के बाद इसमें पानी आएगा, देखिए साइड में पंप पानी गिरने लगा, जैसे
टपकने लगा पानी, पंप चलने लगा इसका अच्छा खासा, आवाज़ भी कर रहा है। चलिए अब उसको अंदर खोल कर देखते हैं कैसा है। इसको साइड से खोलेंगे दोस्तों, सब में आपको दिया हुआ है ये अनलॉक करने का, लिखा भी है इसमें अनलॉक नीचे तरफ होगा, ठीक है। ये करके आपको खोलना है, ये सब आपको साइड करना है, ठीक है, तो ये खुल जाएगा। खोलते हैं इसको, देखिए दोस्तों मैंने इसको खोल दिया है, ठीक है। ये ऐसा रहता है हाइट इसमें, और ये देखिए सर पीछे से, ठीक है, इसमें अंदर नेट लगा रहता है दोनों साइड से ताकि ये भागे ना। और ये रहा आपका अंदर का सामान, देखिए पूरा पैक है, प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, ठीक है। और सामने जाली, सामने मोटर लगा है स्विंग के लिए, इधर देखिए नोब से जो आ रहा है पावर, मोटर लगा है यहाँ पे, हैंडवेयर कंपनी का मोटर है, देखिए लिखा है इसमें सब कुछ, डिजर्ट कूलर पानी भरने का। अगर आपको सामने से पानी पाइप नहीं है तो आपको इधर से पानी भरना पड़ेगा, साइड से या पीछे से, ठीक है। ये रहा पाइप, पाइप जा रहा है ऊपर, ऊपर से चारों तरफ, मतलब तीन साइड में आपका पानी आ रहा है। नीचे पानी का स्टोरेज है, साथ में बताना भूल गया, यहाँ पे आपको इंडिकेटर है मिनिमम टू मैक्स, अभी पानी यहाँ तक है, मिनिमम तक है, वो मैक्स तक करना है, 50 लीटर का डब्बा है ये, ठीक है। साथ में ये आपका एग्जॉस्ट वाल्व है, मतलब आपको पानी बहुत कचरा हो रखा है तो यहाँ से साफ़ करने के लिए यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा यूज़ मत करिएगा, ज़्यादा यूज़ करने से आपको ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस है, लूज हो जाएगा तो पानी लीक करेगा बाद में। एक बार खुले में चला के देखते हैं कैसा चलता है पंखा फुल स्पीड में, ये देखिए घूमने लगा, बहुत तेज़ स्पीड है इसकी फ़ैन की, ठीक है दोस्तों। चलिए कैसा लगा दोस्तों वीडियो, कोई डाउट हो तो पूछिए, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। और हाँ आप बता देते हैं, ये बहुत अच्छा कूलर है, 6,500 में ज़रूर खरीदिए, बहुत लंबा कूलर है, डिजिट कूलर है ये, ठीक है, पूरा हवादार हो जाएगा रूम। वीडियो देखने धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।